गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट कैलकुलेटिंग डेज। अभी तक हमने टाइम देखना सीखा है ना, टाइम के बारे में सब कुछ पढ़ा है। अब हम डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो सीखेंगे। आपको ये तो पता ही है ना, सेवन डेज में, वन वीक में सेवन डेज होते हैं और वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, वन ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं ना। लीप ईयर कैसे करते हैं काउंट, 4 से डिवाइड करके, मतलब जो भी आपका ईयर है उसको उसके लास्ट 2 डेज 4 से डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं, क्योंकि लीप ईयर 4 डेज 4 ईयर में आता है ना। इसलिए देखिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 11.6। फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन, के इसमें नंबर ऑफ डेज बताने हैं 21 सितंबर से 21 सितंबर एंड 10 नवंबर, इन दोनों के बीच कितने डेज हो रहे हैं हमें ये बताना है। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, हाउ मेनी डेज are there from 21st September and 10th November? इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था, 21st September से 10th नवंबर तक कितने डेज हुए। तो हमें क्या करेंगे, हम पहले हम सितंबर कितने मंथ्स का होता है, 13 डेज का होता है ना सितंबर, तो हम 30 माइनस 21 कर इक्वल टू 9। इधर हम और अक्टूबर का, सितंबर के बाद अक्टूबर आया तो अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं ना, 31 डेज अक्टूबर, और 9 प्लस 31। अब इसमें 10th नवंबर तक पूछा ना, 10th नवंबर तक पूछा, तो उससे पहले कितने देखो 9 डेज ऑफ नवंबर, तो 9 प्लस 31 प्लस 9, तीनों मंथ के हो गए ये, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, 31 प्लस 9 40 40 प्लस 9 49 डेज। ओके, नाउ बी पार्ट है 16 फरवरी एंड 11th अप्रैल, इट इज नॉट अ लीप ईयर, इसमें फरवरी में लीप ईयर नहीं है, तो हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 16th February to 11th April। ये भी हम वैसे ही करेंगे, फेब में कितने मंथ्स होते हैं, कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, इन फेब। अब मार्च में कितने डेज होते हैं, 31, और अप्रैल 11 तक पूछा है ना, तो उससे पहले कितने डेज हो गए, 10 डेज, 10th डेज अप्रैल, हम तीनों को प्लस कर देंगे, 28 में से 16 फेब पूछा है तो 16 फेब को माइनस कर देंगे, 28 में से कितने हो गए, 12, और फिर 31 मार्च के और
10 is April. 12 plus 31 plus 10. Answer is 31 or 10. 41? 41 or 10? 51 or 2? 53 days. Okay. हमने एक ए और बी कर दिया ना, सी और डी आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज रितिका स्पेंड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इफ दे वर विद हर फ्रॉम 15 जनवरी टू 7 फरवरी. ठीक है, रितिका ने हमें कैलकुलेट करके बताना है कि रितिका ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितने दिन बिताए, वो कितने दिन उनके साथ रही. तो कैसे करेंगे, 15 जनवरी से 7 फरवरी तक. तो देखिए कॉपी में करते हैं. नंबर ऑफ डेज रितिका स्पेंड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स 15 जनवरी टू 7 फरवरी. देखिए 15 जनवरी से है ना, तो हम इससे 14 तक काउंट करेंगे. 14 जनवरी से काउंट करेंगे ना, तो 31 डेज, 30 जनवरी के 31 डेज होते हैं ना, 31 माइनस 14, 15 से 7 फरवरी तक रही है, तो कितने हो गए, 31 माइनस 14, 17 डेज प्लस 7 फरवरी, 7 फरवरी तक हम इसको काउंट करेंगे. तो 31 माइनस 14 इक्वल टू 17, 17 प्लस 7 हो गए 24 डेज. 7 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 1 2 ना, 24 डेज रितिका स्पेंड ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी की तरह है, ये आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. द कल्चरल प्ले स्टार्टेड एट 5:25 PM एंड गोट ओवर एट 7:40 PM. हाउ लॉन्ग वॉज द प्ले. कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ 5:25 PM पर और ओवर हुआ 7:40 PM. तो हमें बताना है कि वो कितने पीरियड, कितनी लॉन्ग पीरियड वो चला. तो हमें क्या करना है, ये टाइम से रिलेटेड है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5. कल्चरल प्ले स्टार्टेड एट 5:25 PM एंड गोट ओवर ओवर 7:40 PM. तो हम इसको कैसे करेंगे, 5:25 से 6:25, 1 hour हो गया ना, तो यहाँ पे 1 hour, फिर 6:25 से 7:25, 1 hour, फिर 7:25 से 7:40 PM कितने मिनट्स हुए, 15 मिनट्स. अब हम इसको प्लस कर लेंगे, 1 hour प्लस 1 hour प्लस 15 मिनट्स. आंसर इज 2 hours, 1 1 2, 2 hours 15 मिनट्स. ओके, इसकी बाकी क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.